नमस्कार साथियों, बेटा हम आज देखने वाले हैं क्लास 10th का ये होगा, एक ओवरव्यू होगा जो कि क्लास 10th के इकोसिस्टम का होगा। आपको पता होगा कि इकोसिस्टम एक कहते हैं लास्ट चैप्टर था, हालांकि इम्पोर्टेंस तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इसको भी जान लेना ज़रूरी होगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस देखने को बोर्ड में भी मिल सकते हैं, साथ ही साथ आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी उठते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक दो लेक्चर इसमें बता दिया जाए। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, इसको आप पढ़ते चले आ रहे हैं, इसको आप अपने दैनिक जीवन से ऐड भी कर लेंगे, जोड़ भी सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चैप्टर को आपको बताया जाए। देखिए इसके ओवरव्यूज में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ईजी भाषा में दिया गया आवर एनवायरमेंट ओवरव्यू है। चैप्टर नंबर 6 होगा जिस क्लास 10 का, ठीक है। तो पहला नंबर होगा हमारा इंट्रोडक्शन, सेकेंड हो जाएगा इसमें बायो एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट होगा, तीसरा होगा दोस्तों इकोसिस्टम के बारे में, चौथा हम लोग देखेंगे इसमें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जिसमें हम बायोटिक देखेंगे, साथ ही साथ इसमें ए बायोटिक कॉम्पोनेंट भी होगा। बायोटिक में अगर देखेंगे बाद में, फिर मैं बताता हूँ क्या है। फिर देखेंगे पांचवा नंबर पे आएगा फूड चेन और फूड वेब, साथ ही साथ उसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगा। एंड 6 नंबर में हम देखेंगे ट्रॉफिक लेवल क्या है, उसके एग्जाम्पल, साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें 7वें नंबर पर फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, यानी हम इसमें बात करेंगे 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ध्यान देना कि 10% जो लॉ होता है ये किसने दिया था, इसके बारे में हम लिंडेमान साहब का योगदान क्या है वो बताएंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं कि भाई क्या मसला है, क्यों इन्वायरमेंट पढ़ा जाता है। आप देखिए जिस कहते हैं कि हमारे हम जहाँ रहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं है, आप बहुत अच्छे हो पढ़ने लिखने में, लेकिन सोचिए कि आप पढ़ने जैसे बैठते हो, जैसे आपके सर पे अलग अलग भाषाओं में लोगों की आवाज़ साउंड सुनाई पड़ता है, आपको डिस्टर्बेंस होता है, पढ़ाई नहीं हो पाती, गाना चलता है, डीजे चलता है, तो आप हो तो अंदर से बहुत टैलेंटेड, लेकिन इन्वायरमेंट अगर आपका सही नहीं है सो आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। समझ आई बात? तो इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी एनिमल्स की, किसी भी पौधों में भी या किसी भी पूरे क्लाइमेट को उसकी दशा और दिशा दोनों बदलने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। समझ आई बात? तो हम बात कर लेंगे इन्वायरमेंट के विषय में, फिर साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे हम लोग कि बायोडिग्रेडेबल क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या, कौन सा ऐसा वेस्ट है जिसको माइक्रोब्स के द्वारा हम लोग सड़ा गला सकते हैं, और कौन सा ऐसा है जिसको सड़ाया गलाया नहीं जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स ऑल्सो। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को चाहे 10 साल 10,000 साल तक छोड़ के पड़ा रहेगा, उसे सड़े गलेगा ही नहीं, ना माइक्रोब्स का इफेक्ट है ना किसी चीज का इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें जो सड़ गल नहीं रही है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आते हैं, जो गल फिर जाए उसको हम बायोडिग्रेडेबल के रूप में समझ, जैसे सब्जी का छिलका, लकड़ी के टुकड़े, सब गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल। ये सारी बातें हम समझेंगे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर देखेंगे इकोसिस्टम, अब जानते हैं इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसका, बायोस्फेयर का। अभी बायोस्फेयर क्या है, बायोस्फेयर एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कुआं है, कुआं, और कुएं का छोटा सा मेंढा है, यानी फ्रॉग है, कौन, इकोसिस्टम। इको फ्रेंडली कहते हैं ना कि भैया ये हमारा जो है, हमने काम बहुत इको फ्रेंडली है, यानी इकोसिस्टम से जुड़ कर रहता है। इको मतलब आपको सराउंडिंग की बात हो रही है ना, अगल बगल की चीज जो है, दैट इज द इकोसिस्टम। फिर उसी इकोसिस्टम में हम देखेंगे कि उसके क्या कंपोनेंट है, बात समझ आ रही, यानी कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट में जब आप बात करते हो तो किसी भी इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक होता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा हमारा कैसा होता है, ए बायोटिक कंपोनेंट। हम बायोटिक कंपोनेंट में क्या समझते हैं और ए बायोटिक कंपोनेंट में क्या समझते हैं वो बातें आपको बताऊंगा मैं जब लेक्चर पढ़ेंगे तब। बहरहाल थोड़ा बहुत जान लीजिए, बायोटिक में हम पढ़ते हैं भाई जो लिविंग है, क्या है ये लिविंग है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, है ना, ह्यूमंस हो गया, ये सारी चीजें लिविंग है, यानी जो अपने आप में थोड़ा ग्रोथ कर रही है, वो सारी चीजें हमारी लिविंग के अंतर्गत आ रही है, समझे। अब जब आप बात करते हो ना तो इसमें आता है कि नॉन बायोटिक, सॉरी एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, नहीं हम कह सकते हैं नॉन लिविंग आता है, नॉन लिविंग। हालांकि इसमें थोड़ा देख लीजिए, नॉन लिविंग बायोटिक फैक्टर में आएगा तो जैसे कि सॉयल मिलेगा, जैसे टेम्परेचर मिलेगा, विंड मिलेगा, जैसे कि इसमें आपको सन मिलेगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि वाटर भी इसी में आता है,
ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नॉन लिविंग है, यानी इनको चाहे जितना मारो पीटो तोड़ो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारी किस्म में आती है भाई साहब, एबायोटिक। उसी एबायोटिक फैक्टर्स में तो आपने समझ लिया, लेकिन अगर बात करना होगा बायोटिक में तो मैंने समझा दिया एनिमल्स प्लांट वगैरह, लेकिन इसको भी क्लासिफाई करते हैं। देखो प्लांट को ही प्रोड्यूसर कहते हैं, तो प्रोड्यूसर आपको समझना है, उसको खाने वाला कंज्यूमर भी देखना है, कंज्यूमर्स के अंदर का देखना है कि हर्बीवोरस क्या है, क्या है हर्बीवोरस क्या है, फिर इसी में देखेंगे भाई कि हम कॉर्नियोर्स क्या होता है, कॉर्नियोर्स क्या है, फिर देखेंगे इसमें हम लोग ओमनिवोरस क्या है, फिर देखेंगे इसमें दोस्तों पैरासिटिज्म क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, फिर देखेंगे डीकम्पोजर क्या है, डीकम्पोजर क्या है। ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे जब करेंगे किसमें बायोटिक फैक्टर में रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जान लीजिए। है तो बहुत छोटा है, एक दो लेक्चर में समाप्त कर दूंगा, लेकिन समझना सारी बातों को है। हर्बीवोरस जो अपना बेचारे घास उस खाते हैं, प्रोड्यूसर को तो खाएगा घास उस खा लेगा, प्रोड्यूसर को खाने वाला हर्बीवोरस जैसे रैबिट है काऊ है, लेकिन उसको खाने वाले मांसाहारी कार्निवोरस आ जाते हैं, समझिएगा, ये इसको खा लेंगे इसको खाएंगे। ओमनिवोरस कहता है बेटा तुम परेशान मत हो, तुम दोनों को मैं खा लूंगा, तो ये कहेगा मैं इनको भी खाता हूँ मैं इनको भी खाता हूँ, तो ओमनिवोर दोनों यानी जो फ्लेक्स भी खाते हूँ और जो ग्रास भी खाते हूँ, घास भी खाते हूँ, पत्ती भी खाते हूँ, ठीक है। तो उसको ओमनिवोर जैसे एग्जाम्पल भी ह्यूमन तो खुद है आप, हम देखिए फ्लेक्स भी खाते हैं और दोनों है, क्रो कौवा वही काम वही करता है, चावल भी खाएगा मांस भी खाता है, बिल्ली दूध भी पिएगी मांस भी खाएगी, तो ये तमाम चीजें ध्यान, डॉग स्पेशली चावल भी खाएगा रोटी भी खाएगा मांस भी खाएगा, तो ये सारी चीजें हमारी ओमनिवोरस में आती है। हम लोग बहरहाल वो टॉप कॉर्निवोरस में आते हैं तो अलग बात है। अब इसमें देखेंगे पैरासिटिज्म, जो पैरासाइट की तरह कहीं चिपक जाए, होस्ट पर जाए चिपके खाना खाए रहे भी, ठीक है, मतलब कोई ज्यादा नुकसान ना करें। और एक आएगा आपका डीकम्पोजर, जो इन सब चीजों के मर जाने के बाद उसको सड़ाने गलाने का काम करता हो, दैट इज डीकम्पोजर, जैसे फंजाई आपका है, जैसे बैक्टीरिया आपका है, ये तमाम चीज मिल करके इन चीजों को मरने के बाद सड़ाने गलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजर, पढ़ना है हमको बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत इसे, क्लियर है। फिर देख लेंगे इसमें भाई फूड चैन, आप जानते हैं कि दुनिया में संसार में जितने भी चीजें एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं, निर्भर हैं भोजन के लिए फूड के लिए, सो दे आर इंटरकनेक्टेड फॉर द फूड, इसी को बोलते हैं। जैसे घास को ग्रास ओवर ने खाया, ग्रास ओवर को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, हॉक को और कोई खाया मरने के बाद इसको सब सड़ाने गलाने वाले बैठे हैं, तो ये सब जुड़े हुए हैं भोजन के लिए, एक चैन में चल रही है जब तक फूड चैन। लेकिन वही अगर एक ही भोजन को एक सोर्स से नहीं अलग अलग लोग खाने वाले भी बैठे हैं तो एक जाला बन जाता है, एक नट बन जाता है, इसी वेव को हम लोग फूड वेव का नाम देते हैं। तो फूड वेव भी समझना, इसके सिग्निफिकेंस भी समझेंगे, इंपॉर्टेंस क्या होगा, वो सब सारी बातें हम जब पढ़ेंगे आगे तो समझ लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे ट्रॉफिक लेवल है, जिसे घास है, घास को ग्रास ओवर ने खाया एक फूड लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल है, उस ग्रास ओवर को स्नेक ने खाया एक ट्रॉफिक लेवल दूसरा आ गया, तो ये जो ट्रॉफिक लेवल चल रहे हैं हर एक भोजन को खाने वाला जो आधार है बेस है वो ट्रॉफिक लेवल है। हालांकि किसी को सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा चार ट्रॉफिक लेवल या बहुत हो गया तो पांच, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी धीरे धीरे आगे क्या होती कम होती चली जाती है, तो एनर्जी कम होती है इसीलिए ट्रॉफिक लेवल हमेशा छोटा होना ही आवश्यक होता है, जरूरी होता है, जरूरी नहीं होता बल्कि हम कह सकते हैं उस इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, बात हम नहीं। फिर देख लेंगे इसमें भाई कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, यानी हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी जो आता है वो प्रॉपर सबको बराबर नहीं मिलता है, सन के द्वारा जो आया है वो सीधा उसका कुछ भाग लेगा कौन, टोटल दो से तीन, दस से एक से दस परसेंट ही प्लांट ले पाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है ना। अब होता क्या है, प्लांट को मिला सनलाइट जो कि रेडिएशन के रूप में आई और उसको ट्रैप कर लिया प्लांट ने और फिर भोजन को बनाया एज ए केमिकल एनर्जी को लेकर के चेंज कर दिया, ठीक है, रेडिएंट को केमिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब वो एनर्जी अलग अलग ऑर्गेनिज्म हर ट्रॉफी लेवल पर क्या करते हैं, अपना यूटिलाइज करते हैं, लेकिन सबको इक्वल मात्रा में क्या एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी सबके लिए, एनर्जी का जो लेवल होगा, जो मात्रा होगा, जो अमाउंट होगा, विल बी द डिफरेंट एंड अकॉर्डिंग तो लिंडे मानसा हर एक ट्रॉफी लेवल पर मात्र 10% एनर्जी क्या होती है ट्रांसफर हो पाती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर इसको बता देता हूँ, देख लो जैसे मैंने कहा कि ये सनलाइट है, देखो ये सनलाइट है, आई सन
सन ने प्लांट को दिया। प्लांट को मान लो किस खा लिया किसने, मान लो जैसे इसको खा लिया काऊ ने, ठीक है ना, काऊ ने खाया। अब प्लांट को काऊ ने खाया और या मान लो इसको रैबिट ने खा लिया, ठीक है ना, इसको रैबिट ने खा लिया। रैबिट को मान लो कि फॉक्स ने खा लिया, ठीक है ना, फॉक्स को मान लो कि कोई दूसरा एनिमल आके ये खा लिया। तो क्या लगता है जो एनर्जी भाई साहब ने 100 मतलब 1000% जूल आई थी यहाँ से, तो क्या इनको वही मिलेगी? जी नहीं, 10% जाएगा, यानी 1000 का 10% कितना होता है 100, इनका 10% इसको जाएगा यानी 10, इसका 10% इसको जाएगा यानी 1% मिलेगा, और इसका जाएगा 10% यानी 0.1% मिलेगा। ये जो आप देख पाते हैं इसको बोलते हैं 10% लॉ। कहाँ, किसने दिया था? लिंडेमैन साहब ने। तो लिंडेमैन साहब ने ये ट्रॉफिक लेवल पर 10% एनर्जी के पहुंचने की बात कही थी, जो कि अब हम लोग इसको विस्तार से आगे लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए, आज का ये हमारा ओवरव्यू रहा होगा, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। अपना बढ़िया से पैराग्राफ पहले ही पेज पर लिख लीजिएगा, बाकी हम लोग कल से पहला लेक्चर इसका देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कमेंट से जरूर करें साथियों, और मिलते हैं फिर फर्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इसमें सॉल्व लिखिए।